बात कही दिया गया है, उसके लिए तो फिर से गठित कर दिया गया है और जो कुछ भी उसको देख लेगा और सारा सब कुछ को करके उसका वो रिकमेंडेशन कर देगा और उसी के आधार पर फिर से रहना चाहिए, अति पिछड़े वर्ग का रिजर्वेशन रहना चाहिए, वो जरूरी है। आपको तो हम कितनी बार बता चुके हैं, बताइए ना भाई, अरे बिहार में तो सबसे पहले ने इस देश में हुआ है, 1978 में हुआ था, ओबीसी और ईबीसी दोनों के लिए आरक्षण जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने किया था, बोलिए। तो जब उनके समय का ही किया हुआ है और 78 का किया हुआ है और बाद में जब 2020 में उस समय की सॉरी 2000 में किया था, उस समय की सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण इसमें जो चुनाव में, तो उस समय कोर्ट से हो गया और खास करके ओबीसी के बारे में ज्यादा चर्चा आ गई थी तो उसके बारे में वो रुक गया था। तो फिर जब 5 में हम लोगों को मौका मिला तो हमने जो कुछ भी फैसला था हाईकोर्ट का, तो हमने कहा ठीक है भाई, ओबीसी में हम लोग ईबीसी को देंगे, सिर्फ ईबीसी को देंगे, पहले तो सबके लिए था, तो हमने उसी के लिए कहा रिजर्वेशन। और आप जान लीजिए सभी दल के लोगों से विचार विमर्श करके और उसके बाद ये निर्णय हुआ। तो अति पिछड़े के लिए तो कब से है, 2006 से ही जब पहली बार पंचायत का चुनाव हुआ और 2007 में भी नगर निकायों के चुनाव के लिए उसी तरह का कानून बनाकर को भी किया गया। और आप जानते ही है कि बहुत लोगों ने चुनौती की थी कोर्ट में, तो हाईकोर्ट ने तो बिल्कुल जो सरकार का निर्णय था उसको सही कहा और सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो गया कि ठीक है। तो यहाँ तो चल रहा था ना भाई, 4 बार से चला है पंचायती का और 3 बार हो गया था नगर निकाय का, तो एक बार के बारे में तो चुनाव हो रहा था, तो क्यों नहीं आखिर अति पिछड़ों को आरक्षण होगा। और शहरी इलाके में तो सबको मालूम है ना जी कि किस तरह से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अलावे जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो सबसे अधिक गरीबी की स्थिति में और सब कुछ में है, तो उनको जरूर मिलना चाहिए आरक्षण। और जब आरक्षण नहीं था तो जरा सोच लीजिए कि कितना कम लोग होते थे, और अब कम से कम लोगों को अवसर मिलता है तो इसी में ना वो आगे बढ़ेंगे, तो शहरी इलाकों में भी। तो हम लोगों ने इसलिए जब देखा कि भाई अब कुछ फैसला आ गया है तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, फिर से इस पर देख लेगा वो पूरे तौर पर जो किया गया बिहार में, अब वो कमिटी जो है वो तत्काल देख करके और जो कुछ भी सब जगह का आकलन करके अध्ययन करके देख लेगी और जो उनकी रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर फिर निर्णय लिया जाएगा कि उनको अति पिछड़े वर्गों का आरक्षण हो और उसी के आधार पर चुनाव होगा। तो इसी को ध्यान में रख करके जो दोबारा हाईकोर्ट में पेश करके ये सारी बातों को कहा गया था। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि अब भाजपा के संपर्क में है, आपकी डिपार्टमेंट में एक बड़ा स्कैंडल हुआ है तो स्कैंडल में प्राइमा फेसी डीजीपी भी खुद फंसे हैं क्योंकि उन्होंने कॉनमैन के बाद पे उन्होंने सारा कार्रवाई किया, तो हाउ कैन ही कंटिन्यू एज द डीजीपी, एक तो वो सवाल है। आप नहीं नहीं वो बात ये हुआ है, ये जिस तरह से कोई गलत फोन करता रहा और उनको लग गया तो उसके बारे में कुछ किया, बाद में इस बात का रियलाइजेशन हुआ ना कि कोई गलत फोन कर रहा है और उसकी जांच पूरे तौर पर करवाई गई और पता चल गया कि गड़बड़ आदमी बराबर कर रहा है, तो उसके बाद फिर सब कुछ किया जा रहा है कार्रवाई। तो अब कोई मान लीजिए कि कोई का नाम सुन करके कोई बात करता है तो बात नहीं है, फिर बाद में तो सबको रियलाइजेशन हुआ ना। जब मेरे पास कोई बात आई थी तो आप लोगों को बता देते, हमने कहा जरा ठीक से जांच कराइए, तो ये कौन आदमी ऐसे ही बोल रहा है। लेकिन डीजीपी का तो लैब है। नहीं नहीं डीजीपी का बेचारे का जो कुछ भी था उनको ये लग गया था कोई बात, और बाद में जब समूचा जांच हुआ तो पता चला कि ये कोई बोगस आदमी फोन कर रहा है और पूरा जो जांच किया गया इसलिए कोई बात नहीं। अरे भाई अब आज कौन महीना है, सुनिए ना डीजी, आज महीना कौन है, अक्टूबर, अब कब रिटायर करेंगे, दो ही महीना ना बेचारे का बचा है और बाकी काम सब ठीक करते हैं। अब एक कभी कोई मान लीजिए कि कोई त्रुटि हो गई कोई गलती से और फिर रियलाइजेशन हो गया तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बाकी सारा काम ये लोग बहुत मजबूती से कराते हैं,
बाकी लॉ एंड ऑर्डर के लिए और सब चीजों के लिए, ताकि तेजी से सब जब क्राइम होता है तो उसके बारे में जांच होती है, वो सब तेजी से कराएं। इसके बारे में तो हम लोग करते ही रहते हैं रिव्यू बराबर। अच्छा, ये प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि आप एनडीए के संपर्क में अभी भी हैं। ये काहे आप प्रताप जी का नाम लेते हैं? वो लगातार ये बातें बोल रहे हैं। एक बात, आप कृपा करके मुझसे कभी उनके बारे में मत पूछिए। एक बार तो हम बता ही दिए हैं, अब बाकी जिसको मर्जी है रोज बोलते रहता है। आई नहीं जानते हैं, स्कूप ठीक से जानते हैं, वैसे ही बोलते रहता है। अपनी पब्लिसिटी के लिए जानते ही हैं, तो अपना पब्लिसिटी के लिए बोलते रहता है, बोलते रहे, क्या फर्क हम लोगों को पड़ता है। हम तो किसी जमाने में उसको बहुत माने हैं, और अभी उसका मन क्या है या क्या क्या बोलते रहता है, बोलते रहे, हमको कोई मतलब नहीं। अरे यंगर है, हमने जिन लोगों की इज्जत की है तो आपको मालूम है ना, आपको तो पता है ना कि हम कुछ लोगों की जो इज्जत की है, मेरे साथ कितना दुर्व्यवहार किया है। तो क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिए, उस पर कोई कमेंट ही मत कीजिए। जानकारी पता कर जानकारी पता कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे हैं जो बेरोजगार लोग सड़क में। अरे आपका चेहरवा तो देखेंगे, कितना दिन हो गया, बोलिए। बेरोजगार लोग जो है वो घूम रहे हैं और उनको लग रहा है कि मुझे नौकरी नहीं, आगे पढ़ाया ना मुझे नहीं हो रहा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत सोचिए, उन लोगों को कोई गलत फहमी कोई कर रहा हो, गलत बात है। एकदम बेरोजगारी को जितना जल्दी हो सकता है, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, हम लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। और आप जान लीजिए आज ही कितने लोगों को मिलेगा। इसी तरह से बराबर हम लोगों ने तय कर दिया है कि सब जगह का रोजगार जल्दी से जल्दी हो जाए, तो इसलिए हम सब लोगों का आग्रह करेंगे कि मत चिंता करो, हम लोग तो रोजगार की संख्या और ज्यादा बहुत बढ़ाने वाले हैं।